गुल्ली और बुल्ली आज क्रिकेट खेलने के लिए घर के पास वाले मैदान में आए हैं और अपने साथ ये दोनों माइकल और केविन को भी लाए हैं। केविन बोला, बुल्ली तुमने शॉन को क्यों नहीं बुलाया, कहीं तुम दोनों की शॉन से लड़ाई तो नहीं हो गई? बुल्ली बोला, अरे केविन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो अपने पॉटी बॉय शॉन को जानते ही हो, वो कभी टाइम पर कहाँ आता है। बुल्ली ने शॉन से ठीक 2 बजे आने के लिए बोला था लेकिन फिर भी वो अभी तक नहीं आया। तभी माइकल बोला, चलो फिर शॉन को छोड़ो, हम लोग खेलना शुरू करते हैं, वैसे भी शॉन को खेलना कहाँ आता है, अगर वो आ भी गया तो उसे फील्डिंग के लिए खड़ा कर देंगे। अभी इन सब ने शॉन के बिना खेलने का मूड बनाया ही था लेकिन तभी गुल्ली बोला, अरे वाह शॉन, तुमने क्या धमाकेदार एंट्री मारी है, मगर लगता है माइकल को तुम्हारी ये एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी माइकल गुस्से से खड़ा होता है और कहता है, शॉन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये मेरे साथ जानबूझकर किया है। शॉन बोला, आ जाओ माइकल, आज दो दो हाथ हो ही जाएं, तुम्हें भी आज शॉन की ताकत का मालूम हो जाएगा। इतने में ही गुल्ली बुल्ली और केविन दौड़ कर आते हैं और माइकल और शॉन को रोकते हैं। बुल्ली कहता है, अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, चलो अब जब शॉन आ गया है तो हम क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। और फिर सारे लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। अरे बुल्ली, ये तुमने क्या कर दिया, अब उस घर का मालिक हम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, अब इससे पहले कि वो बाहर आए हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। तभी माइकल बोला, केविन घबराने वाली कोई बात नहीं है, लगता है तुम ये बात नहीं जानते कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है और यहाँ तक कि आसपास जितने भी घर हैं ये सब भी खाली पड़े हैं। जाओ बुल्ली, डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम अंदर जाकर बॉल उठा लाओ और हम वापस खेलना शुरू करते हैं। बुल्ली बोला, माइकल तुम इस घर की हालत देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस घर के अंदर गया तो कभी वापस भी लौट कर आऊँगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम उस बॉल के बारे में भूल ही जाएं। तभी शॉन बोलता है, नहीं बुल्ली, मैं उस बॉल के बारे में कभी नहीं भूलूंगा, याद है ना तुमने पिछली बार मुझे कीचड़ में उतार दिया था और मैं कीचड़ के अंदर से बॉल लेकर आया था और अब तुम घर के अंदर से नहीं ला सकते, जाओ बुल्ली तुम्हें बॉल लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बुल्ली, शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें बॉल लेकर आना ही होगा क्योंकि हमने अभी ही खेलना शुरू किया था। बुल्ली बोला, ठीक है अगर तुम लोग इतना कह रहे हो, आ जाओ पहले घर के पास चलकर देखते हैं कि घर का गेट खुला भी है या बंद है। और फिर सारे लोग घर के पास जाने लगते हैं। बुल्ली घर के मेन डोर के पास आता है, मेन डोर के पास आते ही बुल्ली देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये घर ग्रैनी का है और ग्रैनी अपने मेहमानों का अच्छी तरह स्वागत करती है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। ये देखते ही बुल्ली फौरन पीछे मुड़ता है और बताता है कि ये घर तो किसी ग्रैनी का है, मुझे नहीं लगता कि बिना पूछे अंदर जाना ठीक रहेगा, शायद इसीलिए यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है। माइकल बोला, लेकिन बुल्ली यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, फिर आखिर तुम किससे पूछकर अंदर जाओगे, जाओ बुल्ली अंदर जाकर जल्दी से बॉल लेकर आओ। हाँ हाँ माइकल, बॉल तो तब आएगी जब इस घर का गेट खुला होगा, और ये देखो घर का गेट ही बंद है। लगता है आज बुल्ली को बॉल लेने जाना ही पड़ेगा। और फिर बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है। अंदर आते ही बुल्ली फौरन ऊपर जाने का रास्ता देखने लगता है क्योंकि बॉल ऊपर वाली फ्लोर पर ही है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही बुल्ली को ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां दिख जाती हैं।
बुल्ली फौरन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगता है। ऊपर आते ही बुल्ली देखता है कि पास में ही एक कमरा है जिसका दरवाजा भी पहले से ही खुला हुआ है। हो ना हो बॉल इसी कमरे में होगी। बुल्ली फौरन उस कमरे के अंदर जाने लगता है। कमरे में आते ही बुल्ली को वो खिड़की दिख जाती है जहां से बॉल अंदर आई थी। बुल्ली उस खिड़की के पास पहुंचता है और आसपास बॉल को ढूंढने लगता है, मगर ये क्या, बॉल तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बॉल तो इस कमरे में ही आई थी। आखिर बॉल यहाँ से कहाँ जा सकती है। अभी बुल्ली ये सब सोचने में लगा ही था लेकिन तभी, अरे वो रही बॉल। वो कौन था? जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, मुझे जल्दी बॉल लेकर यहाँ से निकलना होगा। बुल्ली फौरन बॉल की तरफ दौड़ता है और अभी बुल्ली बॉल उठाने ही वाला था और तभी, अरे ये क्या, ये तो ग्रैनी है। बुल्ली को लगा था कि इस घर में कोई भी नहीं है लेकिन यहाँ पर तो आदमखोर ग्रैनी रहती है। और तभी ग्रैनी बुल्ली को इस कमरे में ही बंद कर देती है। तो दोस्तों अब क्या होगा बुल्ली का, क्या बुल्ली ग्रैनी के हाथों बच पाएगा या फिर ग्रैनी बुल्ली को मार देगी? और क्या गुल्ली शॉन माइकल और केविन बुल्ली को बचा पाएंगे या नहीं, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।